अब्बा और अब्बास कहो अब्बास अब्बास और मोमोज का नाम भी लेती है मोमोज और अब्बास और मिमी आपस में खेल रहे हैं। निहारी रेडी हो गई, ये देखिए कुछ ऐसी मैंने निहारी रेडी किया, रायता भेजा है और यहाँ पे कबाब कटलस भेजे है कटलस। यहाँ पे ये हमारा रेडी हो चुका है, हर तरफ मैंने ऑयल लगा लिया है, तो बेटर डालेंगे, हाफ डालेंगे, फुल हम नहीं डालेंगे। यहाँ पे मैंने जो है स्टैंड रखा है और देचकी में ना जो है स्टैंड रख दिया है और इसको ना थोड़ा हीटअप कर लिया है, थोड़ा हीटअप किया है और इस पर ढकना रखेंगे और आधा घंटा बाद देखेंगे इसको। चलो देखते हैं, अब इस साइड से देखेंगे। वाओ, वाओ, साफ सुथरा निकला है, मतलब ये पक चुका है। और ये देखिए इतना मजे का ये बना है, ये देखिए। मॉर्निंग मम्मी, यहाँ पे जो है ना मम्मी उठ गई है, इतनी वो है ना कि कैमरे के सामने नहीं कर रही है, ऐसे ये सारा कुछ करती है। हाय मम्मी, गुड मॉर्निंग। तो मैं एडिटिंग कर रही थी, वीडियो अपलोड की है और ये यहाँ पे जो है ना उठ गई है। बच्चे चले गए हैं स्कूल, एक दो घंटे हो चुके हैं बच्चे जो गए हैं। ऐसे मिमी के लिए बनाते हैं नाश्ता, इधर देखो मिमी, हाय करो, हाय गुड मॉर्निंग मिमी, ये देखो शो दिखा रही है ऐसे। तो यहाँ पे जो है ना हमारा तवा हो चुका है गर्म, मिमी को कुछ भी नहीं चाहिए होता है, ये ना पराठा नहीं खाती, बस सीधा ना अंडा खा लेती है और या ना अगर फ्रिज में जो है ना नीम पड़ा हो ना तो वो खा लेती है, बलाई बहुत शौक़ से ये खाती है, लेकिन वो आज नहीं है। तो जिस दिन मैं दूध लाती हूँ ना उस दिन बलाई होती है, और जिस दिन दूध ना हो ना तो उस दिन फिर जो है ना अंडा मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे बिठाए भाई मिमी को, अब तो आओगी ना, अब तो मोबाइल में आओगी ना। और ये देखिए यहाँ पे मिमी बैठी है और अपना यहाँ ये पकड़ा हुआ है कि मुझे अंडा दे, तो बस जल्दी से ना इसका नाश्ता रेडी करते हैं। और यहाँ पे नाश्ता रेडी हो रहा है। जी जी, अंडा खाना है मिमी? आप मिमी बोलो अंडा। हाँ पापा कहो और अब्बास कहो, अब्बास अब्बास और चाचू आका। चाचू चाचू को अबू बोलती है ये, पापा पा, पापा को ना सिर्फ पा बोलती है और मुझे ना अम्मा बोलती है ये। मेरे दोनों बच्चे ना मुझे मम्मा बोलते हैं, ये मुझे अम्मा बोलती है। और मिमी कहो मोमोज, मोमोज का नाम भी लेती है मोमोज। और तो ये देखिए मिमी का अंडा बन गया है। वहाँ पे अब्बास और निदा के मिमी खेल रहे हैं, ये देखिए आहिस्ता कर दो, अब्बास और मिमी खेल रहे हैं। मिमी कौन आया है, कौन आया है? अब्बास आया हुआ है, अब्बास और मिमी खेल रहे हैं। और निदा ने ना अपने ब्लॉग्स लगाए हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी के फैन है ये। और जो है ना मैंने बनाई है, मैंने क्या बनाया है बताती हूँ, निहारी बनाई है, मज़े मज़े की निहारी बनाई हुई है। पे निहारी रेडी हो गई, ये देखिए कुछ ऐसी मैंने निहारी रेडी की, रायता भेजा है और यहाँ पे कबाब कटलस भेजे कटलस। पे इसको ना अब्बा की खिदमतें करने का बड़ा शौक है यहाँ पे। और ये हमारी निहारी, ले जाओ चलो जल्दी से लेके जाओ। और ये है कटलस। पे निदा पढ़ रही है कंप्यूटर के सामने और जो है अब्बास कंप्यूटर कर रहा है, मिमी यहाँ पे जो है कटलस खा रही है। मैं बना रही हूँ मार्बल केक, उसके लिए जो है ना सबसे पहले जो है मैं अंडे लूँगी, तो मैंने कहा चलो बच्चों को आज को चिल्ड्रन खिलाते हैं। मैं बनाती तो हूँ लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है मैंने नहीं बनाया है, तो बस ना यहाँ पे मार्बल केक बनाएंगे। दो मैंने अंडे ले लिए हैं, हाफ कप जो है ना ये देखिए हाफ कप मैंने चीनी ली है, और हाफ कप के करीब जो है ना वही हाफ कप के करीब जो है मैं ऑयल लूँगी, और इतना वेनिला एसेंस डालूंगी, बेकिंग पाउडर डालूंगी हाफ, और इसको ना हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से बीट करेंगे इसको। ये देखिए इतना बीट करेंगे कि हमारी चीनी जो है ना वो हो जाए मेल्ट। तो बहुत टाइम बाद जो है ना मैं बना रही हूँ और बड़ा ही मज़ा आएगा बना के। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है, ये मैंने एक कप जो है मैदा लिया है, इसको मैं तीन पोर्शन में डालूंगी, तो पहले थोड़ा सा डालूंगी
ये जब मिक्स हो जाए फिर दूसरा में डालूंगी। तो हाफ पोर्शन मिला लिए, हाफ दोबारा मिलाएंगे हम। चलो मिलाती जाओ, इस पोर्शन को मिलाएंगे फिर सबसे लास्ट में ना ये डालेंगे। तो ये देखिए हमारा कुछ इतना स्टिकी बन गया, ये लास्ट जो रहता है ना मैदा, ये हम डालेंगे और इसको दोबारा से बीट करेंगे। तो मुझे लग रहा है ना कि ये थोड़ा हार्ड है, तो आप ना 2 चम्मच के करीब इसमें पानी डाल सकते हैं। तो ये देखिए 2 चम्मच के करीब ना मैंने इसमें डाल लिया है पानी। आप पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, दोनों में से जो भी आप डालते हैं आप डाल लें। मैंने पानी डाल लिया क्योंकि दूध अभी गर्म करूँगी तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो बस ना मैंने 2 चम्मच के करीब जो है पानी भी इसमें डाल लिया। और ये देखिए हमारा इतना मज़े का ये बैटर रेडी हो गया है। तो बीट बीट बीट, और ये देखिए इतना अच्छा रेडी हो गया है। फिर ये ना इसमें से हमने थोड़ा ले लेना है और यहाँ पे जो है ना बस इतना बहुत है, इतना ही मैं लूँगी। तो ये देखिए ये मैंने ले लिया है और इसमें हम ना थोड़ा कोको पाउडर डालेंगे। तो ये देखिए इतना कोको पाउडर मैंने ले लिया है, इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से, मिक्स मिक्स मिक्स। तो ये देखिए इतना अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। तो ये भी हमारा रेडी हो चुका है और ये भी रेडी हो चुका है। मैं बना रही हूँ जो मैं केक बना रही हूँ इसमें मैं बना रही हूँ, तो इसको ना ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं चारों साइडों से, ताकि ये यहाँ पे ना कहीं पे चिपके नहीं। हमारा केक बिल्कुल सही निकल के आए और हमें ना निकालते वक्त मसला ज़्यादा ना हो। हर तरफ से हमने ऑयल लगा लिया है, फिर जो है मैं बटर पेपर लगाऊंगी। मैंने इसी के हिसाब से ना काटा हुआ है और इस पे भी हम ऑयल लगाएंगे। तो यहाँ पे ये साइड रहती है, यहाँ पे भी लगा लूँगी और इस साइड पे भी लगा लूँगी बटर पेपर। तो ये देखिए इस पे भी ना हमने ऑयल लगा लिया है, ये देखें यहाँ पे ये हमारा रेडी हो चुका है। हर तरफ मैंने ऑयल लगा लिया है, तो बैटर डालेंगे, हाफ डालेंगे, फुल हम नहीं डालेंगे। तो ये हमने हाफ डाल लिया है, ये देखिए ये हमने हाफ डाल लिया है। अब जो हमने ये रेडी किया है ना, तो ये हम डालेंगे, ये हम डालेंगे चॉकलेट में। ये देखिए इस तरह से हमने डाल लिया है, थोड़ा सा और डालूंगी। व्हाइट चॉकलेट, ब्लैक चॉकलेट जी। और इसको ना ये जो मेरे पास टूथपिक है इससे हम ना इसको ऐसे करेंगे। ये देखिए ये तो हमने पहले उससे किया था, चम्मच से नहीं, इसी से किया था। तो ये देखिए इस तरह से जो है ना मैंने कर लिया है। अब दोबारा से जो कोट रह गया है ना वो सारा डालूंगी, रुक जाओ, ये सारा डालूंगी। पूरा मिक्सचर मैंने डाल लिया है और अब लास्ट में ना ये डालेंगे हम। तो ये सारा मिक्सचर, जितना भी हमारा मिक्सचर है ना सारा मैं डालूंगी। चम्मच वाला यहाँ पे ये मैंने डाल लिया है, इसको करते हैं मिक्स। टूथपिक से आप मिक्स कीजिएगा, इतना ये मज़े का मिक्स होता है ना। ये देखें तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये देखिए इतना अभी से इतना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे मैंने जो है स्टैंड रखा है और देचकी में ना जो है स्टैंड रख दिया है और इसको ना थोड़ा हीटअप कर लिया है, थोड़ा हीटअप किया है और इस पर ढकना रखेंगे और आधा घंटा बाद रखेंगे इसको। मैं रोटी बना ली, दूध गर्म हो गया और इधर ना इस तरह मैंने वेट रखा हुआ है। तो देखते हैं हमारा केक रेडी है कि नहीं। 20 मिनट्स हो चुके हैं। वाह, दैट्स द केक।
इससे चेक करेंगे, ये देखिए टूथपिक ना इसके अंदर घुसाएंगे, ये देखिए हाँ ये थोड़ा जो है ना गीला हमें निकला हुआ नज़र आ, तो इसको ना थोड़ी देर और पकाएंगे, थोड़ी देर और पकेगा तो फिर बन जाएगा, थोड़ी देर और 5-10 मिनट ना और करेंगे, क्योंकि हमारी जो स्टिक है ना वो गीली गीली नज़र आई है, ये देखिए वो थोड़ी गीली है। फाइनल टाइम देखते हैं अब्बास का ना सबर से बुरा हाल, मिमी का, निदा का, टान टाना इतना फूला है। चलो देखते हैं अब इस साइड से देखेंगे, वाओ साफ सुथरा निकला है, मतलब ये पक चुका है, वाओ दैट्स द केक। तो बस इसको निकालेंगे और इतना मज़े का हमारा केक बना है, ये देखिए ये देखिए इतना मज़े का बना है, पूरा केक आना चाहिए निदा यार। मम्मी बेबी बर देखो, मम्मी बेबी तो ये देखे इतना मज़े का केक बनाया है, बहुत मज़े का बना। सही तो रघोरा तो इसके ना हम पीसेस कर लेंगे, इतना मज़े का बना है, इतना मज़े का बना है, हाथी में हदें ख़त्म हो गई हैं जिसकी कोई हद ही नहीं, इतना ये मज़े का बना है, ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरा रोग मैसेज ऑब्जर्वर। तो और ये देखिए ये लशीचात का ये हमारा केक है, तुम उठा ले मम्मा, ये देखिए इतना ये मज़े का केक बन गया है, हर तरफ से पक्का, तो इतना मज़े का ये बना है, और ये देखिए इतना मज़े का ये बना है, ये देखिए ये देखिए कैसा मम्मी कैसा, ये लो और ये देखे शुगर कम लग रहा है, ये देखें इतना मज़े का, इसमें मुझे शुगर कम लग रहा है। हैप्पी बर्थडे करो मिमी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मिमी। तो इसी के साथ अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय 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 अब्बास, ये देखो अब्बास बाय बाय, मिमी बाय बाय, तो अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।